हम शुरू करेंगे तो ज्वाइन होने वाले होते हैं। ओके फाइन। तो यस सर। आज से ऑप्शन ट्रेड्स मतलब स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, वेदर यू डू इट इन डेरिवेटिव्स मतलब ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, और यू वांट टू डू इट इन कैश मार्केट। यू कैन डिसाइड, यू कैन डू इट। ओके फाइन। यस सर। बट इट नीड्स लॉट ऑफ स्टडी। ओके, लॉट ऑफ स्टडी इन द सेंस इट इज नॉट दैट यू पिक सम स्टॉक विदाउट लॉजिक यू आर ट्रेडिंग। इट विल नेवर हैपन। ऑप्शन ट्रेडिंग है बहुत इजी है अगर आपने वर्क किया तो। फाइन, यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? ओके चलो, बाद में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर। इधर देखो, जब तक आपको कैश मार्केट में होल्ड नहीं है, ओके, आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करना। ओके, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। क्लियर सर? ऑप्शन में बहुत सारा पैसा मिलता है, 10 टाइम्स होता है, यस 100 टाइम्स होता है, 1000 टाइम्स होता है, कुछ नहीं होता है जब तक आपको कैश मार्केट नहीं आता है तो। ओके, दैट इज वाई आई टुक ऑल दिस टाइम। यू शुड हैव एटलीस्ट सम एक्सपीरियंस इन द कैश मार्केट टू डू अ ऑप्शन ट्रेडिंग। फाइन, इट्स वेरी सिंपल सर। ओके, इफ यू वर्क हार्ड मतलब वर्क हार्ड इन द सेंस इफ यू गिव अ कमिटमेंट। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी इजी एंड यू हैव टू पिक द स्टॉक। ओके फाइन सर। ओके, मैं सर। फिर एक बार आपको बताना चाहता फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ। आपको नॉलेज है नहीं है? नॉलेज तो होना चाहिए, आपने अभी तक क्लास अटेंड किया है जो भी किया। अगर ऑप्शन आप व्हाट इज ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग क्या है? ओके, ट्रेडिंग अगर आपका घर में कोई 10 इयर्स का बच्चा है, ओके, उसको मोबाइल दे दो, वो ट्रेडिंग करेगा। उसका मतलब है बाई करेगा, सेल करेगा, नहीं करेगा? करेगा ना सर, यस सर। कोई भी कर सकता है ट्रेडिंग। कोई भी मतलब भाई करना कहीं करना बड़ा बात है क्या? मोबाइल दे दो वो कर देगा। ओके नो, अभी क्या होता है ट्रेडिंग में, आपको नॉलेज है मतलब फंडामेंटल्स टेक्निकल्स वो जो भी है, एक लॉजिक पता है ट्रेड करने का। मान लो वो पता नहीं है, नहीं है मान लो आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है सर, दो ही चीज है। एक है मनी मैनेजमेंट सर। ओके, मनी मैनेजमेंट एक MBA जाना नहीं है, मनी मैनेजमेंट को सीखने के लिए मनी मैनेजमेंट है। सेकेंड वन इज साइकोलॉजी सर। ओके यस सर। बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग लग रहा बहुत है तो अच्छा। ये ट्रेडिंग। ओके, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनो सर, अगर मान लो अपने कोई स्टॉक को एंटर कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, मतलब अगर मान लो कोई रिलायंस को बाई कर रहे हो, ओके, वो ट्रेड सही होता है या गलत होता है वो अलग बात है सर, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। ओके, अगर आपने एनालिसिस सही किया है वो सही होगा, आपने एनालिसिस गलत किया है वो रॉन्ग होगा। ये सबके साथ होता है, वॉरेन बफेट के साथ भी होता है, उससे भी बड़ा नाम नहीं ले सकता हूं मैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर फिर यस एक सर। बार मैं एनालिसिस किया है प्रॉपरली, उसका लेवल्स पता है, उसका प्राइस पता है आपको, उसका लॉजिक पता है, आपका ट्रेड सही होगा। अगर गलती हुआ आपने नहीं किया है, हाँ, आप तो ये नहीं है ना, व्हाट इज दैट नया जो चीज आया, ChatGPT, वो तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग है, करेक्ट, रोबोट तो नहीं है, गलती तो होगा ना सर। यस सर। ये सही होगा गलत होगा ये ट्रेडिंग नहीं है सर। ओके, ये तो होता यस रहेगा, छोड़ दो। मेरा ट्रेडिंग क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर मान लो आपने रिलायंस को ट्रेड कर रहे हो, फाइन, आपका अकाउंट में मान लो वो आई सेट 1 लाख है आपके अकाउंट में। ओके, हाँ, ये आपका परिश्रम का फंड है ना, ये मतलब कोई हरामी पैसा नहीं है, करेक्ट? आपने आपका सर। सैलरी से, आपका किधर से पता नहीं है क्या क्या किया है पैसा लाने के लिए, आपका बाप को अभी पूछा होगा, नहीं चाहिए मार्केट में, खुद का पैसा होता है मार्केट में, आपका सैलरी है, अब किधर से भी लाके मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपको रिलायंस को ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब ये है भाई आपको मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का पता क्या है? व्हाट इज मनी मैनेजमेंट? एमबीए पढ़ना नहीं है मनी मैनेजमेंट का मतलब है, बोलते रहते हैं क्लिशे वर्ड है मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वो क्या है? अगर 1 लाख है, मेरा रिस्क क्या है 1 लाख में, मेरा रिस्क क्या है?
Okay, in 1 lakh we can take up to 1,500, right? You know that calculation. यस सर, कैलकुलेशन पता नहीं है? हाँ यस सर, स्टॉप लॉस मतलब के हिसाब से लगाना है हाँ इसका हम। मतलब है, अगर आप 1 लाख आप अकाउंट में है, आप कोई एक ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, आप एक ही ट्रेड में 1 लाख को डुबा सकते हो, वो सबको पता है। हाँ, बाद में यस इसका सर, मनी मैनेजमेंट कैसे डिवाइड करके क्या करना है, अगर ऐसा है तो यू कैन टेक अप टू 1,500, ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लिवरेज फॉर 5 टाइम्स। हाँ, एक्चुअली 2,500 होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं मिलता है, सो यू कैन टेक अप टू 1,05,000, 1,500। इसका मतलब है, अगर आपने ट्रेड ले रहे हो रिलायंस का, आपने एनालिसिस किया है, आपको स्टॉप लॉस मिला है, अगर वो सही जाता है गलत जाता है, वो ट्रेडिंग नहीं है सर। ट्रेडिंग ये है भाई, गलत भी हो गया आपका जा रहा है 1,500, यस सर, ये समझ रहे हो ना सर? अगर आपका ट्रेड गलत भी हो गया, इसके ऊपर नहीं जा रहा, वो ट्रेडिंग है। यस सर, ये नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इधर मर रहे हैं, करेक्ट? डेली पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, करेक्ट? ये क्या है, यस किधर सर, से यस वही सर, करना है? अगर मान लो आपने कोई ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, उसमें 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मान लो रिलायंस में 1,500 के हिसाब से कितना क्वांटिटी होना चाहिए? 150 है ना, 150 यस सर, 150। अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हो गया, कितना गया? 1,500। जाने दो, नो प्रॉब्लम, यू शुड एंजॉय द स्टॉप लॉस, ओके? हाँ, यस सर, किसी का ये सोशल मीडिया में देख के, मतलब इतना मिला उतना मिला, हाँ मिलता है भाई, हमें नहीं मिलता है, ग्रुप में नहीं मिल रहा है, सबको मिलता है, क्या स्टॉप लॉस नहीं होता है? होता है, वो आपका दिमाग से हटा दो, क्लियर है ना? ट्रेडिंग करो, वीक नहीं मांग रहे हो, फाइन। यस सर, अगर आप 10 ट्रेड्स कर रहे हो, अगर मान लो यू गलती से यू आर अ बुरा ट्रेडर, यू डोंट नो एनीथिंग, उसमें 3 भी तुक्के में पास हो गया, फिर भी यू विल नॉट बी इन लॉस, यू अंडरस्टूड? नो, यू वांट मी द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देना है क्या? नहीं है ना? नहीं है सर, बिल्कुल सर, परफेक्ट है। हाँ, बाद में ये स्टॉप लॉस जो हो रहा है उसको टिक कर लो, क्या गलत हुआ, क्या साइंस था उधर, किसको पकड़ना था, क्या लेवल था, उसको समझ लो, आपके पास टाइम है, सारा जिंदगी है, एक दिन तो आएगा आपने 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ही पास होगा, क्लियर है यस ना? सर, राइट, यस दिस सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ट्रेडिंग। हाँ, पता नहीं आप मैं किसी का ये देगा 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, बाद में एक ट्रेड देखता हूँ 1,05,000 का लॉस है ऑप्शन ट्रेड में, वो नहीं है, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। फाइन सर, अगर आपने 100 रुपीज में ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर यू मेक 10 लॉसेस, ओके? 10 ट्रेड्स कंसेक्यूटिव लॉसेस, बट यू आर लूजिंग ओनली 100 रुपीज, नॉट मोर, दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग। प्रॉफिट यस सर, आता है नहीं आता है वो अलग बात है, इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा भाई? यस लेकिन सर, जब लॉस कर रहे हो इतना ही जाना चाहिए, क्लियर है ना? यस सर, हाँ, इफ यू आर मेंटेनिंग दिस, डेफिनेटली आपका कैपिटल पे मिनिमम तो एक ट्रेड में 7% मिल जाएगा, अगर 1 लाख है, 7,000 तो मिनिमम है, क्लियर है ना? यस सर, सॉरी यार, 7,000 नहीं, 3.5%, ओके? मतलब 1 लाख है, 3,500 तो मिलेगा ही, मतलब ऊपर नीचे कुछ, मतलब कुछ भी, अगर मान लो 1% का भी मुंह पकड़ लिया, आपको मिनिमम 1:4 हो जाएगा, मतलब 3,500 तो मिलेगा ही सर, ओके? ये याद, मतलब ये पता है ना सर, कोई ये नहीं है, ये जैसे 1:3 करेंगे जब भी तो होगा सर, होती होता है ना सर? अगर 1:3 का ट्रेड नहीं होता है तो क्या ट्रेड है, वो गलत ट्रेड है ना? नहीं, ठीक है सर, लेकिन सर यदि मेरे 1:3 से पहले ही 1:2 पे ही मान लीजिए मेरे को नो प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि भाई ये कुछ इश्यू खड़ा हो रहा है वहां पे, तो हाँ, उसको वहीं पे हट जाए तो भी नुकसान थोड़ी ना है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मान लो एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, इसको स्टॉप लॉस इधर है, टारगेट इधर है, ये करो कि भाई एक ही स्टॉप लॉस होता है दिन में, मैं देखता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये कुछ नहीं है, ओके? अगर आप एंट्री कर रहे हो इधर,
ये स्टॉप लॉस था, आपका टारगेट रहता है, कोई लॉजिकल लेवल था उधर, कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस था, आपको 3:30 मतलब 3:15 तक वेट करना है, ये तो कोई कुछ करेगा। ओके, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई ऊपर जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस आ गया, तो निकलना है, वो पता है, यू नो एवरीथिंग। मतलब आपको 1:2 मिले या 1:10 मिले, वो फर्क नहीं पड़ता है, आपका स्टॉप लॉस बचना चाहिए, यू शुड वर्क ऑन दिस फर्स्ट। यस सर, ओके, वो मिल जाएगा सर, 1:20 भी होगा, 1:100 भी होगा, अभी देखेंगे। हाँ ना, ये समझ में आएगा ना सर, बाद में जब आप ऑप्शन ट्रेड शुरू करते हो। मैं इतना ही बता देता हूँ, मैं इतना दिन बार बार आते रहा, आपने जो कमाते हो ट्रेडिंग में उसको डालना ऑप्शन में, वो मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो भी है, अभी देखेंगे कितना टाइम्स होगा। बाहर का पैसा मत लाओ सर। ओके हाँ, टाइम लगेगा। ओके, लेट्स टेक 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ में तो एक सर बल्क अमाउंट होगा ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा आपको। ये पॉइंट क्लियर है सर, ये याद रखना। हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस सर। क्लियर सर, क्लियर। ओके चलो, हम अभी ऑप्शन ट्रेड में जाते हैं, उसके पहले कुछ पूछना है सर। सर एक बात सर मैंने नोट करी थी कि सर जहां पर भी अपने हम क्या बोलते हैं स्टॉक में ओपन प्राइस से जो भी रेजिस्टेंस बनता है या स्टॉप वो क्या नाम से जो सपोर्ट बनता है सर, कई बार मैंने देखा है कि रेजिस्टेंस को तोड़ करके जब स्टॉक ऊपर जाता है तो हाँ, वापस दोबारा से रेजिस्टेंस क्रिएट करके वो पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ करके वापस नीचे आ जाता है। उधर तक आना ही है ना सर, उधर ही हमारा एंट्री होता है ना। सर यदि उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो सर उसको रेजिस्टेंस से ही सपोर्ट बना करके उसको वापस और ऊपर लेके जाना चाहिए ना। अगर मान लो आप ये बोल रहे हो कि भाई, अगर मान लो कोई स्टॉक को आपको ट्रेड करना है, हाँ? मतलब ये आपका इंपोर्ट लेवल था, इधर खुला है, मतलब ऐसे जा रहा है, इधर कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस को बना देगा। ओके, सर बाद में ये इंट्राडे का ही बनेगा, बाद में ये इधर तक आएगा, इधर से ये घूम जाएगा। हाँ, लेकिन सर कई बार क्या होता है ये घूमता नहीं है यहाँ से, सपोर्ट हाँ, बना के घूमता नहीं घूमता है नहीं है, ना। वापस हाँ, इसको तोड़ के नीचे आया था ही। उसका मतलब आपका हाइपोथेसिस गलत है, हाइपोथेसिस ओके शॉर्ट साइड में था। ऐसा तो नहीं है आपने ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, ब्रेक आउट ट्रेड कर रहे हो, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको हाई स्ट्रक्चर में है बाई करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इधर खुला है, आप इधर बाई कर रहे हो, ये तो रेजिस्टेंस पे आप बाई कर रहे हो ना सर, ये तो इधर आना ही है, इधर से घूमना है इसको। ओके मतलब उसका ब्रेक मतलब क्या नाम से ब्रेक इनसाइड लेवल पे दूसरा टाइप का है तो वो अपने उसको सही ढंग देखो, से देखना अगर चाहिए। ये लेवल है तो ब्रेक इनसाइड लेवल ये है, मतलब इसके ऊपर खुलना चाहिए, ये सपोर्ट बन गया, इधर से ऊपर जाना चाहिए। अगर मान लो इधर खुला है, ये बाहर जाने का कोशिश कर रहे हो, यू आर बाइंग हियर, दिस इज अ स्टॉप लॉस, नो दिस इज अ रेजिस्टेंस, ये इसका सपोर्ट इधर पड़ा है, इधर तक आना चाहिए, भले वो 3:15 तक हो जाए, आज ऊपर नहीं जाएगा, वो आके सपोर्ट पे रुक जाएगा। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का ही बात करता हूँ, और कुछ नहीं है। अगर मान लो यू वांट टू ट्रेड ऑन दिस डे, ओके, अगर मान लो यू वांट टू ट्रेड ऑन दिस डे, ओके, यू वांट टू ट्रेड दिस डे, यस सर, लास्ट डे यू वांटेड टू ट्रेड, मान लो बाई हाइपो है आपका, हाइपो इज बाई, ओके, कल रात तक ये कैंडल बना था, करेक्ट? यस सर, ओके, मतलब इसने ये लेवल को इसने तोड़ा है, करेक्ट? यस सर, ये लेवल इधर तोड़ा है, करेक्ट? यस सर, ये दो लेवल है। अगर मैक्रो में ब्रेक इनसाइड लेवल को देखता हूँ, सिर्फ ये दो ही है ना, और कोई वीकली लेवल मंथली लेवल नहीं है इधर, मतलब टॉप पे है, मतलब लाइफ टाइम हाई पे है, करेक्ट? यस सर, हाँ, अगर मान लो इसके ऊपर खुलता है, इधर से जाके इधर से ऊपर जाना चाहिए, वो ब्रेक इनसाइड होता है, करेक्ट? हाँ सर, ठीक इधर अगर इसके ऊपर खुलता है, इधर आके ऊपर जाता है, वो ब्रेक इनसाइड होता है। अगर मान लो इसे खुला है, ऊपर जा रहा है, ओके, नाउ आई विल शो यू हियर, मान लो आपका हाइपो बाई था, ओके, मान लो इसमें बाई था आपका हाइपो, ये इसके नीचे खुला है, ऊपर जा रहा है, इफ यू आर ट्राइंग हियर, इफ यू आर बाइंग हियर, इट इज अ स्टॉप लॉस, नो, आपने रेजिस्टेंस पे बाई कर रहे हो, ओके 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 नाउ ओके यू अंडरस्टैंड दिस सर, यू अंडरस्टैंड दिस, हियर आई विल डिलीट दिस। सपोज मान लो ये दिन पे आपको ट्रेड करना था, ओके, यू वांटेड टू ट्रेड ऑन दिस डे, इसका मतलब ये है भाई, मैक्रो में क्या ये लेवल को इसने ब्रेक किया था, ये हाई ऊपर क्लोज दिया था, करेक्ट? यस सर,
आपको ये दिन पे ट्रेड करना था, तो इसने ये दिन पे ये लेवल को इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया था, करेक्ट? दिस इज द सपोर्ट, राइट? यस सर, अगर मान लो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना सर, अगर इसके ऊपर खुलता है, इधर से ब्रेकिंग से हो सकता है, ये ऊपर खुलता है तो यस सर, ओके। देखो क्या ये सेकंड लेवल पे खुला है इसे? हाँ, सेकेंड लेवल तो लाइए सर। खुला, लेकिन ये तो ब्रेकिंग से लेवल नहीं है, इधर सपोर्ट नहीं है, करेक्ट? किसे हाँ पता सर, लगा आपको? जैसे तोड़ के नीचे आ गया और नीचे फिर आ इसको गया तो हायर क्या हाई, हाई हुआ? हाँ, इसको हायर हाई करना है, नहीं नहीं है ये हाई, थोड़ा, ये लोअर लो ही कर रहा है, ओके? हाँ लोअर लो। मतलब ये लग नहीं है, ये सेकंड, मतलब ये हायर हाई सिम्टम दिखना चाहिए, उसका मतलब है ये वाला है, मतलब ये तो भाई होना है, लेकिन ये लेवल नहीं है, और कोई आपको लेवल ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट? जो माइक्रो में ये इधर तक गिरा था, इधर उठने लगा, तो ये लेवल को पहला रेजिस्टेंस था ना, ये दिस वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, राइट? यस सर, ऊपर जाते समय, तो इधर आके इसको ब्रेक इन साइड होना है, तो वही हुआ है, ये समझ रहे हो ना सर? यस सर, यस सर। एक्सप्लेन नहीं ऑल सर दिस ये है। जैसे जो जो प्रीवियस लेवल है वो तो ठीक है सर, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना ये ओपन क्या नाम से ओपन प्राइस से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लाइव मार्केट में बनता है उसको भी सर मैं बहुत पढ़ता हूँ कि कर यहाँ पे सक अगर रेजिस्टेंस कर देना सर, कर देना ना, अगर मान लो ये दिन पे ट्रेड करना है, मतलब इसका जो ट्रेंड है, मैं सारे लेवल्स को हटा देता हूँ, इसने इधर तक का लो, मतलब ये लो मारा है, ऐसा है, बाद में ऐसा है, ऐसा किया है, मतलब इधर तक तो आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट? यस सर, हाँ, मतलब इधर से इधर तक नीचे गिरा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरा गिरा था, यस सर, यस सर, ये ना। यस सर, प्राइस अगर इसके इधर है तो ये रेजिस्टेंस है ना सर, पैसे आ गया सर, मतलब ये सपोर्ट है तो प्राइस नीचे है, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा ये तो रेजिस्टेंस है, ये तोड़ के इंट्राडे का नया लो बनना चाहिए ना, यू शुड मेक द इंट्राडे लो, यस सर, ओके? अगर ये नीचे आया बाद में, आपको पता है कि भाई इधर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, यस सर, ये दो कैंडल में प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट बनना चाहिए, सपोर्ट लिया भाई, ऊपर गए, ठीक यस सर, बस यही पे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई ये जब इसको तोड़ के नीचे आ गया तो ऊपर के नहीं? रेजिस्टेंस को इसने हाँ, ऊपर के रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बना करके इसको वापस से लो बनाना चाहिए था, लेकिन इसे करेक्ट, लो ना बना करके वहीं ये से हाई पलट चौड़ा। गया। हाँ, देखो इस सिंपल है सर, इंट्राडे में कोई ना कोई रेजिस्टेंस को बना देता है, ओके? इधर रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, मतलब यस सर, ऐसे रेजिस्टेंस है, नीचे आ गए थे ना, अगर ऊपर जाना है तो इंट्राडे का ही बना दिया इधर, यस सर, बना दिया, नीचे इंट्राडे का ही बनाया, तो रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस से उठा, यस सर, आपको मेन चीज है हाइपोथेसिस, ओके? उस पे काम करो सर, लेट्स यस लेट सर, मूव ऑन टू ऑप्शन ट्रेडिंग सर, ओके? फाइन फाइन, ओके सर, इसको समझना, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप कितना भी, क्या है, व्हाट इज दैट कॉल, ऑप्शन डेटा, हाँ, ऑप्शन चेन का पंडित हो, कुछ नहीं होने वाला है, ओके? फाइन सर, मैं देखता हूँ, एक्सेल शीट में बेचते रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, सिंपल रखना है मार्केट को। हाँ, आपको व्हीकल, आपको कार को चलाना है, ओके? यू आर ओनर ऑफ द कार, आपको कार चलाना, मैकेनिक नहीं बनना है, क्लियर है ना? यस सर, हाँ, ये चीज याद में रखना, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, ओके? नाउ दैट गलती शुड नॉट हैपन, ओके? देर आर फ्यू सीनियर्स, दे सेंड ऑल दैट एक्सेल शीट्स, वो कॉल पुट डेटा, वो ऑप्शन चेन, पता नहीं है कौन यूज करेगा दुनिया में। हाँ, आपको बनना है कार ड्राइवर, ओनर बनना है, ओके? मैकेनिक थोड़ी बनना है, यस सर, ओके? मैं समझता हूँ क्या है, ओके? सर, यस सर, पुट पता है आपको, व्हाट इज पी? ऐसा मत बोलो, जो सबको पता है, बताना भाई क्या है सर 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 पुट। लो सर पुट, हाँ सर सर बेरिश साइड के लिए पुट लेता है, यू बाय द पुट।
मतलब अगर मान लो शॉर्ट शॉर्ट प्राइस फ्यूचर। इधर किधर भी है, प्राइस इधर किधर भी, मान लो प्राइस है 100 रुपीज अभी, ओके कितना यस सर, चल रहा है प्राइस? हंड्रेड 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 रुपीज हंड्रेड रुपीज इसको एट द मनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट द मनी, यस सर, एटीएम। हाँ यस सर, कोई पूछ रहा था ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग तो 6 मंथ के बाद सीखेंगे सर। एक लॉट बेचने के लिए 2.5 लाख चाहिए, वो पैसा बना के दिखा दो मुझे इधर। ऑप्शन सेलिंग में उसमें तो लॉस नहीं होगा। हाँ कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहे बोल के ग्रुप में, क्या है भाई? हाँ मेरे बेइज्जती कर रहे हो। बाहर से पैसे नहीं लाना सर, इधर से ही कमाना है, क्लियर है ना? ठीक मैं आपको करके दिखाता हूं, आगे फॉलो करो। ओके अभी प्राइस कितना चल रहा है? 100 रुपीज 100 रुपीज। इसको क्या बोलते हैं? एटीएम एट द मनी। एट द मनी। ओके अगर मान लो आप ये सोच रहे भाई ये 100 है, ये 90 पे आ जाएगा। ओके ये जो स्टॉक है 100 रुपीज का, ये 90 पे आने वाला है कई दिन में, कोई रीजन से, कोई लॉजिक से। ओके यस सर, अभी ये नीचे आने वाला है ना सर, यस सर, तो मतलब ये बोल रहे हैं ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, आपको पुट को खरीदते हो, क्यों? यस सर, पुट है, नीचे आने वाला है। अगर मान लो ये 100 रुपीज है, ये 110 पे जाने वाला है, मान लो कोई रीजन से। ओके आप कॉल को बरी बाई करते हो, ये पॉइंट क्लियर है? ये सबको यस पता है सर, ना सर, एक क्या बता रहा हूं मैं बैठ के, ये यस सर, क्लियर यस है सर, ना? पुट कॉल। हाँ यस सर, ओके भाई ये बहुत सिंपल है भाई, वो फिफ्थ स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है तो उसको वो कर देगा ये चीज। अगर किसी को समझ में नहीं आता ना, स्टॉप दिस। ओके 6 मंथ्स वो प्रैक्टिस ही करते रहो कैश मार्केट का, ये तो आ जाएगा अपना अपना आ जाएगा। ओके पुट का मतलब है नीचे गिरने का, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अगर ऊपर जाने का ये है हाइपोथेसिस है तो कॉल को हम खरीदते हैं, करेक्ट? यस सर, ओके ये समझ में आ गया, पुट कॉल समझ में आ गया, करेक्ट? यस सर, ओके अभी प्राइस कितने में है? वेयर इज द प्राइस? 100, 100 रुपीज में है, करेक्ट? इसको क्या बोलते हैं? एटीएम, एटीएम, एट द मनी, राइट? इसका मतलब है अभी प्राइस जो भी स्ट्राइक प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस पे है, करेक्ट? अगर मान लो प्राइस 100 रुपीज पे है, ये 90 रुपीज है, मान लो इधर नीचे तक जाना क्या नहीं है, अभी कितने में है सर प्राइस? अभी सर 100 में। हाँ ओके अभी आप पुट खरीदना चाह रहे हो, पुट खरीदना चाह रहे हो मतलब नीचे गिरेगा बोल के। सर ये जो प्राइस है 90, इसके ऊपर है या नीचे है? ऊपर, नहीं, 90 जो है आप ये सोच रहे कि भाई नीचे गिरने वाला है, 90 जो है नीचे है ना, यस सर, ये हंड्रेड नीचे नीचे है है, ना सर, इसको यस आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। ओके, हाँ हाँ? यस सर, इससे बाहर है मतलब। मतलब ये रेंज के बाहर है, मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है अभी जो चल रहा है प्राइस उसके बाहर है, तो उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, क्लियर है ना? अगर मान लो ये यस सर, 110 है, आप कॉल खरीदना चाह रहे हो, ओके ये क्या है? आउट ऑफ द मनी नहीं है, अभी ये प्राइस है 100, इधर तक अभी तक नहीं गया है प्राइस, जाने वाला है, करेक्ट? यस सर, ये आउट ऑफ द मनी है, करेक्ट? इतना समझ में आ गया सर? यस सर, हाँ एट द मनी क्या है? जो प्राइस चल रहा है अगर आप वो स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, दैट इज एट द मनी। ओके आउट ऑफ द मनी क्या है? आपने अभी तक जो अटाइन नहीं हुआ है प्राइस, मतलब 110 को जाने वाला है, नहीं तो 90 रुपीज को जाने वाला है, वो दैट इज आउट ऑफ द मनी, क्लियर? यस सर, ओके अभी क्या है, मान लो आपको कॉल को खरीदना है, ओके कॉल खरीदना है 110 का, आप ये मान रहे हो कि भाई इधर तक जा रहे हो, आप 90 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हो, इसको क्या बोलते हैं सर? अभी प्राइस 100 है, 90 रुपीज का कॉल को बाई करना चाहते हो, ये प्राइस को क्या बोलते हैं? इन द मनी। इन द मनी, क्योंकि अभी प्राइस 100 रुपीज में है, करेक्ट?
इस ये जो प्राइस है 90 रुपीज, मतलब ये जो 100 रुपीज है 90 रुपीज के ऊपर है, करेक्ट? दिस इज इन द मनी, राइट? मतलब ये जो 100 रुपीज पे 90 रुपीज पे अंदर है, करेक्ट? यस सर, यस सर, मतलब ये इसको समझ। क्रॉस करके आगे 400। हाँ, मतलब अभी जो 100 चल रहा है ये 90 के ऊपर तो है, मुझे खरीदना है 110 का, 90 रुपीज का आप खरीद रहे हो, दिस इज द इन द मनी, इट इज ऑलरेडी प्राइस उसमें है, ये पॉइंट क्लियर है सर? यस सर, सर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये समझ में आ गया यस सर, सबको? क्लास में एक ही है क्या? मान लो आपको 110 का कॉल खरीदना है, 110 का कॉल खरीदना है, अभी प्राइस कितना चल रहा है? 100 रुपीज चल रहा है, ओके? अभी प्राइस ये जो लेवल है इधर 100 रुपीज पे चल रहा है, आप 110, आप ये सोच रहे हो कि भाई इधर तक जाएगा ये वीक में, ओके? 110 तक ये प्राइस जाएगा। अगर अगर मान लो आप 110 का स्ट्राइक प्राइस को खरीद रहे हो, दिस इज आउट ऑफ द मनी, राइट? यस सर, मतलब ये अभी तक अटेंड नहीं हुआ है, प्राइस इधर तक नहीं आया है, करेक्ट? यस सर, अगर मान लो आप 90 रुपीज का खरीद रहे हो, ये तो इन द मनी हो गए ना, क्योंकि अभी प्राइस है इधर, मतलब 100 रुपीज में है ये, 90 90 तो उसमें ही है, इन द मनी। यस सर, 90 को तो क्रॉस तो ही गया ही 100। हाँ, समझ रहे ना? अगर मान लो आप 100 प्राइस का देख रहे हो, दैट इज द एट द मनी। ये पॉइंट क्लियर है सर सबको? ओके, यस सर, नाउ यस सर, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट सर। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग सर? किसी को पता है तो मुझे बताना, अगर पता नहीं बेसिकली तो। ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल। ओके, हेजिंग। ओके, हेजिंग मतलब मैं तो फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ा हूँ सर, मुझे पता नहीं है व्हाट इज हेजिंग। क्या मुझे ये पता है इंश्योरेंस? यस सर, आपको इंश्योरेंस पता है सर? आपका यस सर, घर में आके, नहीं तो आपका ऑफिस में कोई आके मुझे इंश्योरेंस खरीद लो, बैंक में जाते हो तो बोलते हैं इंश्योरेंस खरीद लो, करेक्ट? ओके सर, ये आपको स्टोरी लगेगा, यही सच्चाई सर मार्केट का, थोड़ा समझना, जब तक ये समझ में नहीं आएगा यू कैन नॉट बी ऑप्शन ट्रेडर, ओके? नाउ यस सर, अगर मान लो कोई एजेंट आके, एजेंट आपके पास आके बोल रहा है सर आपको 10 लाख का अश्योरेंस दे रहा है, सम अश्योर्ड बोलते हैं ना, सम यस सर, अश्योर्ड। हाँ, आपको 10 इयर्स के बाद आपको कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा, क्लियर है ना? यस सर, हाँ, यस, आप अभी क्या करना है? ओके, 10 लाख तो 10 इयर्स के बाद आपको मिलना है, आपको एवरी मंथ 10,000 रुपीज भरना है ईएमआई, मतलब क्या, प्रीमियम, करेक्ट बोलते हैं ना? यस सर, क्या आप ये इंश्योरेंस को खरीदोगे? कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बता रहा है वो? वो 10 इयर्स में, 10 इयर्स जब खत्म होगा आपको कितना मिलेगा? 10 लाख, 10 लाख। बाद में ये बोल रहा है यू पे एवरी मंथ हाँ प्रीमियम ऑफ कितना, कितना प्रीमियम पे करना है? 10,000। 10,000। अगर कोई, अगर मान लो मैं ही एजेंट हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं आपके घर आके मैं बोलता हूँ आपको इंश्योरेंस ये खरीद लो, यू विल गेट 10 लाख आफ्टर 10 इयर्स, आपको व्हाट इज द ईएमआई, व्हाट इज द प्रीमियम आपको भरना है एवरी मंथ? 10,000। क्या आप खरीदते हो? ना, क्यों? ईएमआई का अगर टोटल प्राइस लाख 12 लाख हो तो जाएगा। इसका वी विल मतलब बी है अ लॉस इन अ 2 लाख। 2 लाख। ये समझ रहे हो सर? यस सर, मतलब वो बोल रहा है 10 लाख आपको मिलेगा आफ्टर 10 इयर्स, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर रहे हो, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरी मंथ 10,000 भरना है, तो वी आर पेइंग 12 लाख, राइट? तो मेरा तो 2 लाख नुकसान ही होगा, मैं क्यों करूँ इसको, पागल हूं मैं? यस सर, अगर वही आके ये बोलता है सर एवरी मंथ यू पे 2,000 प्रीमियम इंस्टेड ऑफ 10,000, क्या खरीदेंगे? डेफिनेटली, हाँ, खरीदना है ना यस, सर? ऑप्शन इज ऑल्सो इज अ इंश्योरेंस, क्लियर है ना? इसको ऐसे समझना है, इसको
इसका मतलब है अगर मान लो योर योर इन मतलब अगर मान लो आपने वो एक 10 लाख 10 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया कोई स्टॉक में, ओके कोई स्टॉक में, ओके यस मान मान लो आपको पता लगा कि भाई इधर एक लेवल था, इधर तक इधर है प्राइस, अभी इधर तक जाएगा बोल के आपने एक एनालिसिस कर दिया, आपने आपके पास 10 लाख तो जो था वो 3 मंथ्स में इधर तक आएगा बोल के आपने इन्वेस्ट कर दिया, क्लियर है ना यस सर यस सर भाई? ये क्या है ना, इसे कोई जरूरत नहीं है इधर तक जाएगा, आपका एनालिसिस भी गलत हो सकता है ना सर, यस सर ये इधर से ऊपर नहीं गया भाई, इधर से नीचे गिर गया, ओके हाँ मतलब जीरो तो नहीं होगा अलग बात है हाँ, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में मतलब ऊपर नहीं गया, इधर कोई लेवल था इधर तक आ गया मान लो, अपना कितना इन्वेस्ट किए थे? 10 लाख 10 लाख है ना, वो नुकसान में नहीं है, नुकसान में मतलब इट इज इन मतलब वो तो वेस्ट हो गया, मतलब वो क्या होल्ड हो गया पैसा उधर, जब तक ऊपर नहीं आएगा मैं होल्ड मतलब उसको उठा नहीं सकता हूँ ना, यू डोंट टेक इट इन अ लॉस राइट? अगर कैश मार्केट में लिया है यस तो क्या करोगे, यू विल विड्रॉ, ना ना नो वी नो। हैव टू वेट तो हम क्या करते हैं सर, इसको इंश्योर करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे इसका, इसका मतलब है मैं सोच रहा हूँ कि भाई इधर तक जाएगा जाने दो, अगर गलती हुआ हम इंश्योर लाइफ इंश्योरेंस भरते हैं ना, हाँ जी रहा हूँ ओके फाइन एवरीथिंग इज गोइंग वेल फाइन, अगर मैं मेरा कुछ हो गया मेरा मतलब सबको डेथ होता है ना, हाँ मान लो मेरा डेथ हो गया होने वाला है तो मेरा लाइफ को इंश्योरेंस कर देता हूँ, और मुझे पता है मैं जीने वाला हूँ फिर भी एक इंश्योरेंस खरीदता हूँ, अगर मैं मेरा डेथ हो गया तो मेरा फैमिली को जो भी पैसा मिलना है मिलना चाहिए बोल के, करेक्ट? यस सर हाँ ये मेरा लाइफ था, 10 लाख मैंने इधर डाल दिया था, ये ऊपर जाना चाहिए, मेरा 10% 20% मिल जाएगा प्रॉफिट, वो अलग बात है, मिलेगा वो अलग बात है बाद में, अगर इसका मौत हो गया मतलब इसने मतलब नीचे आ गया, ओके ये स्टॉक आपका लॉस नहीं होगा नुकसान नहीं होगा, मैं क्या करूंगा सर, ये जो नीचे का लेवल को पुट खरीद लूंगा, इंश्योरेंस कर दूंगा छोटा क्वांटिटी में, अगर 10 लाख उधर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं 5,000 का पुट खरीद लूंगा इधर, अगर ये नीचे आया मुझे पुट में प्रॉफिट मिलेगा ना सर, जो नुकसान उधर हो रहा है यस सर उसको बोलते हैं हेजिंग, जी इसको डेरिवेटिव्स को बनाया गया है, क्लियर है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यस हाँ फाइन सर, यस हमारा दिमाग में क्या हो गया, ये सोशल मीडिया में 1 करोड़ बना दिया, 6 करोड़ बना दिया, 15 करोड़ बनाया, लाभ बना लाए लिया मैंने, हाँ है ना, हमने ये सोचा भाई ये पैसा बनाने के लिए बनाया है, करेक्ट, देखेंगे आगे, आई वॉन्ट टू चेंज द साइकोलॉजी फर्स्ट, बाद में ऑप्शन ट्रेड में जाएंगे सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ओके वन इज बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी सर, हाँ नहीं मालूम, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, ओके अगर मान लो आपने कोई ऑप्शंस को ट्रेड कर, ओके बाइनरी का मतलब है भाई आपने जो भी वीकली एक्सपायरी आ गया करेक्ट, अभी वीकली एक्सपायरी लास्ट 2 इयर्स से, हाँ एवरी थर्सडे देयर इज एक्सपायरी राइट, वो पता यस है ना सर सर वो सारे एक्सपायरी सर अभी दिखाता हूँ हाँ, यस सर अगर वीकली बेसिस पे आप कर रहे हो दैट इज कॉल्ड बाइनरी, ओके फाइन सर, इसका मौत है 7 डेज में 5 डेज में होने वाला है, आप ये सोच रहे हो भाई 100 रुपीज का स्टॉक है ये 110 पे जाएगा कितना दिन में, 7 दिन 5 डेज है ना ट्रेडिंग डेज, कितना हाँ जी में यस अगर यस इधर तक फाइव नहीं गया डेज ये 0 हो जाएगा, यस सर यस 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 मतलब इसको बाइनरी बोलते हैं, और एक है भाई मंथली ऑप्शन है करेक्ट, मंथली मंथली मतलब एवरी थर्सडे ऑफ द लास्ट मंथ एक्सपायरी हो जाएगा करेक्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये 100 रुपीज का स्टॉक है ये क्या होने वाला है 110 पे जाने वाला है कब, 1 मंथ में करेक्ट, यस सर ओके ये समझ में आ गया आपको
समझ में आ गया सर? अभी ना सर। सिर्फ इसको समझ लो सर, आपने इंश्योरेंस का जो बात किया अभी, मान लो प्राइस इधर है 100 रुपीज में, ओके फाइन सर, सर ये जाने वाला है 110 में, ओके आपको सर पता है इधर तक जाने वाला है, इसको तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ना सर। सर अगर मान लो ये आपको 10 रुपए में प्रीमियम मिल रहा है, 10 रुपीज में, मैं जो इंश्योरेंस का एग्जांपल बता दिया उसको याद करो, 10 रुपीज का ये जो कॉल है, 110 का कॉल है, आपको कितने में मिल रहा है? हाँ 10 रुपये अभी प्राइस कितने में है? 100 पे ओके प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज है, आपने इतना पैसा देने वाला है, अभी खरीद रहे हो, ओके क्या खरीदोगे? सिनेरियो समझ में आ गया, प्राइस अभी कितने में है? 100 ओके प्राइस तो आपको 100 पता है कि भाई ये 110 तक जाने वाला है, ओके जाने वाला है तो खरीद लो, कितना है प्रीमियम, 10 रुपीज क्या 10 रुपीज खरीदोगे? डू यू बाई दिस? नो नहीं खरीदेंगे क्योंकि क्यों नहीं करेंगे? सही है, क्यों? 10 रुपीज ही जाएगा, वो 10 रुपीज सेम प्रीमियम हो रहा है सर। पकड़ लिया ना भाई, यही ऑप्शन ट्रेडिंग, क्लियर है ना? आप 10 रुपीज में खरीद रहे हो भाई, जब ये प्राइस इधर तक जाएगा तभी तो बनेगा ये 10 रुपीज। समझ रहे हो? प्रीमियम कितना है अभी? यस टेन सर रुपीज है, करेक्ट? आप ये सोच रहे हैं प्राइस इधर तक जाएगा, अरे भाई जब ये इधर जाएगा 110 पे, इसका वैल्यू बनेगा 10 रुपीज, आप खरीद रहे हो 10 रुपीज में। समझ रहे हो? यस सर यस सर आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस यस सर सर? ये जो 10 रुपीज है ना, इधर इधर से इधर तक जो जाता है प्राइस, 10 रुपीज का गैप है, करेक्ट? यस सर इसको इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? एंट्रेंस वैल्यू हाँ इंटरेस्टिंग वैल्यू ये पॉइंट क्लियर है, फाइन यस सर। इंट्रेंसिक वैल्यू सर देखो, अब जो भी प्राइस को खरीदते हो, अगर मान लो, वेयर इज द ऑप्शन ट्रेड, ओके ओके मान लो ये कोई ही मतलब ये जुलाई का 19,700 का कॉल है, 168 में मिला है, करेक्ट? अभी 168 में है, करेक्ट प्राइस? यस वो क्या है देखेंगे, प्रीमियम वही है ना 168। एक देखो, एक प्राइस में, एक ऑप्शन प्राइस में दो चीज होता है सर, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? एक है प्रीमियम, क्या है प्रीमियम? प्रीमियम एंड इंट्रेंसिक वैल्यू सेकंड इज इंट्रेंसिक वैल्यू, ओके व्हाट एवर द स्पेलिंग इज रॉन्ग, ओके इंट्रेंसिक वैल्यू, फाइन फाइन सर। एक प्राइस में अगर मान लो 100 रुपीज है, उसमें दो चीज होता है, क्या है? वन इज प्रीमियम, वन इज इंट्रेंसिक वैल्यू, क्लियर है ना? जब तक ये समझ में यस नहीं आ, इसको कैलकुलेट करेंगे अभी बैठ के, सिंपल है, फिफ्थ सर ऑप्शन ट्रेड नहीं होगा। हाँ आप कितने भी पंटर हो, कितना ऑप्शन पुट डेटा का वो पंडित हो, हाँ फाइन सर।